हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बनेगा, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम्स इन द चेन हैविंग सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि जो भी आपका सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है, जो भी आपका कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्केन, अगर आप अल्केन से आप फंक्शनल ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, आपका अल्केन है जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसमें क्या हो रहा है, मीथेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं, 1 आते हैं। इथेन में कितने आ रहे, 2 आ रहे, 3 आ रहे, 4 आ रहे, 5 आ रहे, मतलब अप टू 10 तक। मीथेन से डिकेन तक आपके इस तरह से आपका एक सिक्वेंस चल रहा है। तो पहले वाले में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 1 थे, सेकेंड में 2 हो गए, थर्ड में 3 हो गए, 4 हो गए। इस तरह से आपकी जो कार्बन एटम की जो चेन है वो क्या हो रही है, एटम इन द चेन हैविंग सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ। तो आपकी जो कार्बन एटम की जो चेन है वो क्या हो रही है, सिक्वेंशियली इंक्रीज हो रही है उनकी, वो जो चेन है हमारी वो क्या हो रही है, लेंथ उनकी इंक्रीज हो रही है। उससे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। यानी कि सेम नंबर ऑफ जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो सेम नंबर होना चाहिए, जैसे कि अल्केन है तो सारे अल्केन्स होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारा होमोलोगस सीरीज का ये डेफिनेशन है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन के ऊपर हम होमोलोगस सीरीज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक देखेंगे, ठीक है। तो मीथेन का हम सबसे पहले देखेंगे, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4 और उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो भी वो होगा CH4, ठीक है। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, CH3CH3, ठीक है, ये हो गया हमारा इथेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा CH3CH2CH3। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा CH3CH2CH2CH3। पेंटेन का है C5H12, इसका बनेगा CH3CH2CH2CH2CH3। हेक्सेन का है C6H14, तो CH3CH2CH2CH2CH2 एंड CH3, 2, 4, 5, 6। तो अभी आप इसमें देखिए, मीथेन से हेक्सेन तक देखिए हमारी जो चेन है वो इंक्रीज हुई ना, पहले देखिए कार्बन थे, फिर 2, 3, 4, 5, तो हमारी चेन क्या हो रही है, सिक्वेंशली इंक्रीज होते जा रही है। तो यही है हमारा होमोलोगस सीरीज। और इसमें अगर हम कुछ डिफरेंस निकालें तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 का डिफरेंस निकलता है, 4, 5, 6, 2 का डिफरेंस, 6, 7, 8, 2, इसमें 2-2 का डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज ऑफ कर सकते हो। अभी हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल में हम देखेंगे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का। तो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4O, इसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखने जाएंगे तो होगा CH3OH, ये हमारा क्या है, मिथेनॉल। इथेनॉल का है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा CH3CH2OH। प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो बनेगा CH3CH2CH2OH। ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा CH3CH2CH2CH2OH। तो देखिए इसमें भी हमारा हमारी जो चेन है कार्बन की वो इंक्रीज हो रही है। तो पहले में मिथेनॉल है तो 1, इथेनॉल में 2, प्रोपेनॉल में 1, 2, 3, ब्यूटेनॉल में 1, 2, 3, 4। तो ये था होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अभी देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन।
तो अल्किन के अंदर हम देखेंगे इथीन, प्रोपीन, वन ब्यूटीन और वन पैंटीन। तो इथीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H4। इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो कार्बन C2H4 है, दो दो चार H4 हो गए। प्रोपीन का बनेगा मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6। इसको इस तरह से लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन वन ब्यूटीन का बनेगा C4H8। इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने वन ब्यूटीन क्यों लिखा, क्योंकि प्रोपेन के बाद आपको जब भी आपको अल्किन के अंदर कुछ भी नाम देना हो तो जहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड रहते हैं वहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख दूँ, इस तरह से कर दूँ, या ये हमारा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे, टू ब्यूटीन, यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, दो पर है। ठीक है, यहाँ पर होता तो थ्री, ऐसा कुछ भी आप, मतलब इसका मेरे पहली जो वीडियोस में मैंने बताया है किस तरह से आप डबल बॉन्ड को देख के फॉर्मूले का नाम लिखोगे। यहाँ पर है तो वन ब्यूटीन, यहाँ पर है तो टू ब्यूटीन। सेम पैंटीन के लिए भी है, वन पैंटीन C5H10। तो इसमें पांच कार्बन आएंगे CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया वन पैंटीन, वन पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया वन पैंटीन। तो इस तरह था हमारा होमोलोगस सीरीज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जो लोग नए आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।